full disclosure, पूरा खुलासा। आज का हमारा जो एडिटोरियल है यह रिलेटेड है सेबी से, सेबी SEBI, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एक संस्था का नाम है जो क्या काम करती है कि व्यक्ति या इन्वेस्टर जो होते हैं, निवेशक जो होते हैं, वो किसी भी कंपनी में अपना जब पैसा जमा कराते हैं, अपनी जो सिक्योरिटी राशि जमा कराते हैं, तो ये संस्था ये देखने का प्रयास करती है कि निवेशक का पैसा जो है सुरक्षित रहे। बैंक हो गया या फिर कोई कंपनी हो गई जिसने उस निवेशक से पैसा लिया है, वह उसे ठीक टाइम पर उसका भुगतान करे। निवेशक और कंपनी के बीच में जो भी मध्यस्थ लोग हैं, होते हैं ना कोई भी लोग, जैसे LIC एजेंट है, आप क्या बोल सकते हैं उसे, एक मध्यस्थ आदमी बोल सकते हैं, जो कि बैंक के और आपके बीच में मध्यस्थ का काम कर रहा है, बिचौलिए का काम कर रहा है, तो ये कहीं गड़बड़ ना कर दें, निवेशक को घाटा ना हो जाए, कंपनी उसे जितना भुगतान देना चाहिए उतना भुगतान करे, तो इन सब चीज़ों को नियंत्रित करने का काम करती है सेबी। ठीक है, भारत की एक संस्था है, ये इन सब चीज़ों को नियंत्रित करती है। तो इसने क्या किया है, अभी हाल ही में कुछ नए रूल्स जारी किए हैं, न्यू फ्रेमवर्क, एक नया ढांचा बनाया है, फ्रेमवर्क मतलब ढांचा, फॉर फाइनेंशियल डिस्क्लोज़र, कि पैसों का पूरा खुलासा किया जाए, बाय क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज मे नॉट बी एनफ। सेबी ने हालांकि कुछ नया ढांचा बनाया है, कुछ नए नियम जारी किए हैं कि आपको जो है पूरे जो है पूरी तरीके से खुलासा करना होगा, सारी चीज़ों को आपको सही तरह से बताना होगा। ठीक है, उसने कहा है, किन लोगों को कहा है, उसने कहा है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो भी होती हैं, उन सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से सेबी का कहना है कि आपको अच्छी तरीके से खुलासा करके बताना होगा, लेकिन हमारे एडिटोरियल का मानना है कि इतना सब करना भी पर्याप्त नहीं है, मे नॉट बी एनफ, इतना सब करना भी पर्याप्त नहीं है। अब देखो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या होती है। क्रेडिट का मतलब होता है किसी व्यक्ति की कोई साख होती है, जैसे बाजार में 4-5 कंपनियां हैं, ठीक है, उनमें लोग अपना पैसा लगा रहे हैं, तो इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो होती हैं, इनका ये काम होता है कि कुछ मापदंड निर्धारित करके निवेशकों को ये समझाती हैं कि आप इस कंपनी में अपना पैसा लगा सकते हो, इसमें मत लगाओ, इसकी साख अच्छी नहीं चल रही है, ये डूबने के कगार पे है, ये अच्छा इंटरेस्ट दे रही है, इन सब चीज़ों को निर्धारित करती हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ। ये बताती हैं कि आप अगर अपना पैसा किंगफिशर में लगाओगे तो डूबने की संभावना है, अगर आप अपना पैसा SBI में लगाओगे तो अच्छा रहेगा, इसकी रेटिंग अच्छी है, इसकी पुअर है, इसकी बहुत अच्छी है, ये सब चीज़ें बताती हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ। अब दिक्कत क्या हो सकती है कि ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो हैं, ये मानो किसी कंपनी से मिल जाए, किसी कंपनी से साठ गांठ कर ले कि मैं आपके बारे में मार्केट में हमेशा अच्छी न्यूज़ बनाए रखूँगी, आप चिंता मत करो, आप बस मुझे पैसे देते रहना। समझ गए आप बात को? तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने क्या किया, किसी कंपनी के साथ मिलके साठ गांठ कर ली कि तुम जो है मुझे थोड़े बहुत पैसे देते रहना जो भी मेरा बनता है, और मैं आपकी मार्केट में साख को जो है लोगों को गुमराह करता रहूँगा, निवेशकों को गुमराह करता रहूँगा। तो ऐसी हरकतें जो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ कर रही हैं, तो इन हरकतों पर रोक लगाने के लिए, लगाम लगाने के लिए सेबी ने कहा है कि ये जो एजेंसी है ना आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इसकी हमें सारी जानकारी होनी चाहिए, पूरा खुलासा करके बताओगी आप कि क्या आप मापदंड निर्धारित कर रही हो, किस तरह से आप बता देती हो कि ये कंपनी अच्छी है, किस तरह से आप बता देती हो कि ये कंपनी ख़राब है, किस तरह से आप बोल देती हो कि ये बैंक तो अच्छा है, ये आप बोल देती हो कि वो बैंक ख़राब है, तो हमें बिल्कुल एक एक चीज़ सही तरह से बताओ आप, ताकि निवेशकों को नुकसान ना हो। अब आगे देखते हैं, amidst द राइजिंग नंबर ऑफ डिफॉल्ट्स बाय कंपनीज, amidst का मतलब होता है बीच में, द राइजिंग नंबर, राइजिंग मतलब बढ़ते हुए, राइजिंग नंबर ऑफ डिफॉल्ट्स, किसे बोलते हैं हम डिफॉल्टर, मैंने आपको पैसा उधार दिया और आप मुझे पैसा मेरा वापस नहीं दे पाए टाइम पे, तो मैं क्या कहूँगा कि आप डिफॉल्टर हो, आप डिफॉल्ट कर गए, ये होता है डिफॉल्ट या डिफॉल्टर। ठीक है, तो लगातार कई कंपनीज हैं, ठीक है, कई कंपनीज के केस देखने में आ रहे हैं लगातार जो है डिफॉल्ट में जा रही हैं, ठीक है, यानी कि उन कंपनीज ने
निवेशकों से जो पैसा लिया था उस पैसे का ठीक से वह भुगतान नहीं कर पा रही है या फिर टाइमली भुगतान नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो अमिडस्ट द राइजिंग नंबर ऑफ डिफॉल्ट्स बाय कंपनीज द चीफ मार्केट्स रेगुलेटर, चीफ मार्केट्स रेगुलेटर किसे बोलते हैं, सेबी को बोलते हैं, चीफ मार्केट रेगुलेटर मुख्य बाजार का नियामक या मुख्य बाजार को नियंत्रित करने वाला, ठीक है, मुख्य आदमी या मुख्य कंपनी या मुख्य संस्था। तो चीफ मार्केट रेगुलेटर इज टेकिंग द फाइट, अब वो कड़ा कदम उठाने जा रहा है, टेकिंग द फाइट का मतलब है कुछ कदम उठाना, कुछ कार्यवाही करना, टू वाट इट थिंक्स इज द एनिमी, जिस चीज़ को वह शत्रु समझता है, सेबी किसी चीज़ को शत्रु समझता है, कि यहाँ पे शत्रु किसे समझ रहा है, वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को समझ रहा है। ठीक है, तो उनके खिलाफ जो है वो एक कदम उठाने जा रहा है, कदम कार्यवाही करने जा रहा है। ठीक है, तो सेबी ने देखा कि काफ़ी कंपनीज हैं जो डिफॉल्ट में आ रही हैं, ठीक है, काफ़ी कंपनीज हैं जो निवेशकों को उनका पैसा टाइमली नहीं दे पा रही हैं, तो सेबी ने अपनी तरफ से कदम उठाने की कोशिश की है और इस शत्रु को यानी कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है इनको जो है नियंत्रित करने की कोशिश करने जा रहा है वो। इसके तहत उसने कुछ नया कुछ नए नियम लाए हैं, कुछ नया ढांचा लेके आए हैं रेटिंग एजेंसीज, तो इसे ही मानता है वो अपना मेन शत्रु। ठीक है, कि भाई ये रेटिंग एजेंसीज जो हैं ये ठीक तरह से काम नहीं कर रही हैं। आगे देखते हैं, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज़ आस्क्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, सेबी ने सारी ये जो कंपनियां हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं हमारे देश में जितने भी हैं इन सब से पूछा है, अमंग अदर थिंग्स, और कई भी चीज़ें और कई भी चीज़ें पूछी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें पूछी हैं, लेकिन इनके साथ क्या पूछा है उसने, क्लियरली स्टेट, बिल्कुल ठीक तरह से बताओ द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, कि डिफॉल्ट होने की संभावना क्या है। ठीक है, ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स दे रेट फॉर, कि जिस भी इंस्ट्रूमेंट के बारे में वो बोल देती हैं ना, या जिस भी इंस्ट्रूमेंट को वो रेट दे देती हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट तो फेल हो सकता है या ये इंस्ट्रूमेंट पास हो जाएगा, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है कितनी संभावना है इसको बिल्कुल ठीक तरह से बताओ फॉर द बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टर्स। क्यों उठाया सेबी ने ये कदम, बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टर्स, ताकि जो निवेशक हैं उनका फायदा हो सके। अब देखो एक टर्म आई है इंस्ट्रूमेंट, अब ये इंस्ट्रूमेंट क्या होता है इसे समझ लेते हैं। बैंक जो है आपसे पैसा लेता है, ठीक है, या बैंक हो गई या कोई कंपनी हो गई आपसे पैसा लेती है, आपसे पैसा उगाती है वो, ठीक है, तो आपसे पैसा लेगी तो आपको कोई पत्र देगी ना वो, कि हाँ भाई हमने आपसे पैसा लिया है, कोई बॉन्ड होगा या कोई डिबेंचर होगा, या जैसे आपने किसी बैंक से कोई एफडी करवाई है आपने, ठीक है, आपने उस बैंक में पैसा जमा किया है, तो बैंक आपको एक सर्टिफिकेट देगा, हाँ भाई आपका पैसा मैंने लिया है और मैं आपका पैसा टाइम पे चुकाऊंगा। तो ये जो पत्र बना ना आपका, ये जो कागज़ बना एक, ठीक है, तो ये एक डॉक्यूमेंट जो बना आपका, ये बॉन्ड हो सकता है, ठीक है, कोई भी पत्र हो सकता है, इसे बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट। तो सेबी का कहना है कि जिस इंस्ट्रूमेंट के लिए आप बोल देते हो ना कि ये इंस्ट्रूमेंट तो डूब सकता है, ठीक है, उसकी आप संभावना व्यक्त कर देते हो, उसके बारे में बिल्कुल ठीक ठीक बताओ आप निवेशक को, बिल्कुल एकदम क्लियर कट कि क्यों ये डूब सकता है आपका पैसा, ये कहना चाह रही है सेबी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये इंस्ट्रूमेंट का मतलब है इस संदर्भ में। आगे देखते हैं, देयर हैव बीन अ रिकॉर्ड 163 डाउनग्रेड्स ऑफ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स दिस ईयर, इस साल जो है रिकॉर्ड 163 डाउनग्रेड्स रहे हैं डेब्ट के, ठीक है, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स दिस ईयर, यानी कि डेब्ट इंस्ट्रूमेंट मैंने बताया ना आपको, समझाया आपको कि डेब्ट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, कि डेब्ट इंस्ट्रूमेंट एक पत्र है जो कि कंपनी के और आपके बीच में जो पैसों का जो आदान प्रदान हुआ है ना उसके लिए एक जो सर्टिफिकेट बना है ना उसे बोलते हैं डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। तो लगभग 163 के लगभग जो है उनमें गिरावट आई है, मतलब ठीक है उनके लिए खराब रेटिंग्स मिली हैं, ठीक है, उनके बारे में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने कहा है कि ये डूबने की कगार पे हैं, इनमें पैसा लगाना ठीक नहीं है, ये इनमें जो है गिरावट आई है अकॉर्डिंग टू डाटा रिलीज्ड बाय प्राइम डाटाबेस दिस वीक, एक अन्य कंपनी है प्राइम डाटाबेस, ठीक है, इसने कुछ आंकड़े जो है रिलीज़ किए हैं इस वीक में, तो उस वीक में इन्होंने बताया है कि 163 जो हैं डेब्ट इंस्ट्रूमेंट हैं उनमें जो है गिरावट आई है। आगे देखते हैं, दिस इज मोर देन डबल द नंबर ऑफ डिफॉल्ट्स ओवर द होल ऑफ लास्ट ईयर, ये लगभग दुगना है पिछले साल की तुलना में, दिस इज मोर देन डबल द नंबर ऑफ डिफॉल्ट्स, कि पिछले
हमारे साल में जितने डिफॉल्ट्स हुए थे ना, मतलब जिनके बारे में खराब स्थिति दर्शाई गई थी, जिन पत्रों के बारे में खराब स्थिति दर्शाई गई थी, उनकी तुलना में इस साल जो है लगभग डबल है मामला, और डबल से भी ज़्यादा है। आगे देखते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय प्रोमिनेंट कंपनीज। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, डेट इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है क्या है, ठीक है। आगे देखते हैं, और इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट रहते हैं ना, तो आप कमेंट्स में लिख दें मुझे, ठीक। डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय प्रोमिनेंट कंपनीज, डेट इंस्ट्रूमेंट जो जारी किए जाते हैं बड़ी बड़ी मुख्य कंपनियों द्वारा। प्रोमिनेंट मतलब जो अपना एक महत्व रखती है, बड़ी मुख्य कंपनियाँ, ठीक है। तो प्रोमिनेंट का मतलब होता है बहुत मुख्य। तो डेट इंस्ट्रूमेंट जो कि जारी किए जाते हैं प्रोमिनेंट कंपनीज द्वारा, इशूड बाय प्रोमिनेंट कंपनीज इंक्लूडिंग यस बैंक, कुछ कंपनियों का नाम दे रहे हैं जैसे कि यस बैंक है, SL है, एंड जेट एयरवेज हैव बीन डाउनग्रेडेड। ये सारी कंपनियां, यस बैंक हो गया, SL हो गया, जेट एयरवेज है, ठीक है। तो इन सारी कंपनियों के डेट इंस्ट्रूमेंट जो हैं उनको क्या किया गया है, उनको बताया गया है कि ये डाउनग्रेड स्थिति में चल रहे हैं, इनमें गिरावट आई है मतलब, ठीक है। इन पे आप भरोसा नहीं कर सकते। अगर आपने अपना पैसा यस बैंक में या SL में या जेट एयरवेज में लगाया हुआ है, तो आपके पैसे के डूबने की संभावना है, ये कहना है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का, ठीक है। ऐसे कुछ उन्होंने संभावनाएं व्यक्त की हैं, ठीक है। इनको बताया है कि डाउनग्रेड, इनकी स्थिति डाउनग्रेड आई है, इनकी मार्केट में जो साख होती है, मार्केट में जो वैल्यू होती है, उस वैल्यू में गिरावट आई है इन कंपनीज की। दिस स्पेट ऑफ डिफॉल्ट्स, स्पेट का मतलब होता है कोई चीज़ें जब लगातार आती रहे ना मतलब, तो उसे वो बोलते हैं स्पेट। जैसे गोलियों की बौछार हो रही है लगातार, तो उसे कहेंगे स्पेट। लगातार एक बाढ़ सी जो आ जाती है ना, कि कोई चीज़ें लगातार अति में जब हो जाती है किसी चीज़ों की, तो यहाँ पे किसकी अति हो रही है, डिफॉल्ट्स की अति हो रही है यहाँ पे, ठीक है। दिस स्पॉट स्पेट ऑफ डिफॉल्ट विच मे वेल बी अ साइन ऑफ द टर्निंग ऑफ द क्रेडिट साइकिल इन द ब्रॉडर इकोनॉमी मे हैव फोर्स्ड सेबी टू क्रैक द वेव ऑन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। बिल्कुल धीरे धीरे समझते हैं क्या कहना चाहते हैं इस लाइन में, कि ये जो लगातार डिफॉल्ट की समस्या आ रही है, ठीक है, कि काफ़ी कंपनीज जो हैं उनको जो उनकी साख में गिरावट देखने को मिल रही है ना, उनको जो है डिफॉल्ट की लिस्ट में शामिल किया जा रहा है। तो विच में यह हो सकता है, विच में हो सकता है, वेल बी अ साइन एक चिन्ह हो सकता है ऑफ द टर्निंग ऑफ द क्रेडिट साइकिल। अब क्रेडिट साइकिल क्या होता है, क्रेडिट साइकिल जो है, क्रेडिट साइकिल का यहाँ पे मतलब होता है कि किसी कंपनी जो है उसकी साख में घटोतरी और बढ़ोतरी हो रही है ना, वह किस स्तर से हो रही है, मतलब धीरे धीरे हो रही है, ठीक है। उसका साइकिल क्या है मतलब, ठीक है ना, क्रेडिट साइकिल, ठीक है। क्रेडिट साइकिल का मतलब है किसी कंपनी की जो साख है उसमें बढ़ोतरी और घटोतरी किस स्पीड से हो रही है, क्या चक्र चलता है उसका, कि भाई सारे साल भर उसकी साख में धीरे 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 बढ़ोतरी होती रहती है, या धीरे 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 गिरावट आती है, या कभी तो उसकी साख बढ़ जाती है और कभी घट जाती है। तो इसको बोलते हैं क्रेडिट साइकिल। तो ये जो लगातार डिफॉल्ट्स हो रहे हैं, ठीक है, कंपनियों के, कई कंपनियों के मामले में हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे डिफॉल्ट्स देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी सारी कंपनियां डिफॉल्टिंग की कगार पे चल रही हैं। तो इससे जो है ना क्रेडिट साइकिल में बहुत बड़ा अंतर पड़ता है, कभी तो साइकिल उठ जाता है, कभी तो कोई कंपनी उठ जाती है और कभी बैठ जाती है। तो इससे क्या होता है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है व्यापक दृष्टि से अगर हम देखें तो अर्थव्यवस्था पर बहुत सारा प्रभाव डालती है ये चीज़। विच में वेल बी अ साइन एक चिन्ह हो सकता है ऑफ द टर्निंग ऑफ द क्रेडिट साइकिल, कि क्रेडिट साइकिल हमारा बदल रहा है इन द ब्रॉडर इकोनॉमी। जब हम व्यापक रूप से हमारी अर्थव्यवस्था को देखेंगे तो उसमें एक काफ़ी चेंजेस देखने को मिलते हैं। मे हैव फोर्स्ड, हो सकता है इसी चीज़ ने, इस बदलते हुए क्रेडिट साइकिल ने ही सेबी को बाध्य किया। मे हैव फोर्स्ड सेबी को बाध्य किया टू क्रैक द विप, टू क्रैक द विप। ये जो क्रैक द विप है ना, इस शब्द को समझ लें हम, क्रैक द विप का मतलब क्या होता है, क्रैक द विप का मतलब होता है कड़ी कार्रवाई करना, ठीक है। जैसे भारत में मानो सरकार अनुभव करती है कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा है, ठीक है, तो भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए टू क्रैक द विप ऑन भ्रष्टाचार, ठीक है ना। भ्रष्टाचार पे जो है, करप्शन पे जो है, अच्छी तरह से रोक लगाने के लिए मानो पार्लियामेंट कोई जो है कड़े कानून पारित करे, तो क्या बोलेंगे कि सरकार जो है भाई इस बार तो उसने क्रैक द विप, ठीक है, कोड़े बरसाना, क्रैक मतलब फटकार लगाना, विप मतलब कोड़ा। तो इस तरह से समझने के लिए, याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्रैक द विप का मतलब होता है एक कड़ी कार्रवाई करना। तो सेबी को हो सकता है ये सब सारी चीज़ें जब सेबी ने देखी
तो सेबी बाध्य हुई कि उसे भी कड़ी कार्रवाई करना चाहिए टू क्रैक द विप ऑन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। ये जो एजेंसीज हैं जो कि किसी भी कंपनी की साख को निर्धारित करती हैं, इन पर ठीक तरह से कार्रवाई की जाए। आगे देखते हैं, इन ए सर्कुलर, एक सर्कुलर जो है रिलीज किया है गुरुवार को ऑन थर्सडे सेबी ने, ठीक है। इन अ सर्कुलर रिलीज ऑन थर्सडे सेबी लेड डाउन, लेड डाउन का मतलब होता है रखना, ठीक है। आप कोई बिल बनाते हैं तो उसमें आप कुछ नियम बना रहे हैं तो क्या कहेंगे कि ये जो है नियम रखे हैं हमने इसके अंतर्गत, है ना। तो सेबी ने गुरुवार को जो एक सर्कुलर जारी किया है उस सर्कुलर में सेबी ने कुछ नियम रखे हैं। सेबी लेड डाउन अ न्यू स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क, कुछ नए नियम निर्धारित किए हैं, कुछ नया ढांचा बनाया है। अ न्यू स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, वित्तीय खुलासे करने होंगे बाय क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, ठीक है। यानी कि ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो भी वित्तीय खुलासे करती है ना किसी भी कंपनी के बारे में, बताती है कि इसकी साख ऐसी चल रही है, उसकी साख ऐसी चल रही है, तो सेबी ने जो नए नियम बनाए हैं उन नए नियमों के तहत उसका कहना है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को ये बताना होगा कि आप किसी के भी बारे में जब खुलासा करती हो ना, ठीक है, जब किसी भी कंपनी के बारे में आप खुलासा करती हो, आप समझती हो दैट इट बिलीव्स, जिस कंपनी के बारे में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ये मानती है, ठीक है, विल इन्हेंस द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन मेड अवेलेबल बाय दीज एजेंसीज टू इन्वेस्टर्स। पूरी लाइन को पढ़ते हैं और इस पूरी लाइन को समझते हैं, ठीक है। इन अ सर्कुलर रिलीज ऑन थर्सडे सेबी लेड डाउन अ न्यू स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल डिस्क्लोजर बाय क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज दैट इट बिलीव्स विल इन्हेंस द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन मेड अवेलेबल बाय दीज एजेंसीज टू इन्वेस्टर्स। सेबी का मानना है कि जो भी सूचनाएं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी निवेशकों को उपलब्ध कराती है वो सूचनाएं, ठीक है, उन सूचनाओं की क्वालिटी में सुधार आएगा। सेबी ने जो भी अपने नए सेट ऑफ रूल्स निर्धारित किए हैं किसके लिए निर्धारित किए हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के लिए। तो सेबी का ये मानना है कि इन नियमों का यदि पालन किया जाएगा तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो भी सूचनाएं निवेशकों को उपलब्ध कराती है उन सूचनाओं की क्वालिटीज़ में सुधार आएगा। ये है इस पूरी लाइन का मतलब। इन अ सर्कुलर रिलीज ऑन थर्सडे, जो गुरुवार को रिलीज़ किया गया, सेबी लेट डाउन ए न्यू स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क, सेबी ने कुछ जो है नए नियम रखे हैं, ठीक है, फॉर फाइनेंशियल डिस्क्लोजर बाय क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। उसने कहा है कि हर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को ठीक तरह से खुलासे करके बताना होगा, ठीक है। दैट इट बिलीव्स, सेबी जो बिलीव करती है, सेबी का ऐसा मानना है, विल इन्हेंस द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, कि सेबी का ऐसा मानना है कि इसके माध्यम से क्या होगा कि क्वालिटीज़ में सुधार आएगा। ये जो CRA हैं यानी कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं, मेड अवेलेबल बाय दीज एजेंसीज टू इन्वेस्टर्स, ये एजेंसीज जो भी इन्वेस्टर्स को सूचना उपलब्ध कराती हैं उसकी क्वालिटी में सुधार आएगा, ठीक है। तो ये एक बड़ा जटिल सेंटेंस है इन अ सर्कुलर से लेके इन्वेस्टर्स से तक, ठीक है। तो आप आराम आराम से इसको पढ़ें, धीरे धीरे समझें, मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे जो है कमेंट में जाके आसानी से पूछ सकते हैं। अब आगे देखते हैं, नोटेबली द एजेंसीज विल हैव टू पब्लिश इंफॉर्मेशन। अब बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो एजेंसीज हैं जो कि किसी भी कंपनी की साख निर्धारित करती हैं उन्हें पब्लिश करना होगा, विल हैव टू पब्लिश इंफॉर्मेशन, उन्हें सूचनाएं पब्लिश करनी होगी ऑन हाउ देयर परफॉर्मेंस इन द रेटिंग ऑफ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ऑन हाउ देयर परफॉर्मेंस इन द रेटिंग ऑफ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स कंपेयर्स विथ अ बेंच मार्क क्रिएटेड इन कंसल्टेशन विथ सेबी। अब समझते हैं इसे नोटेबली से लेके सेबी तक। अब ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो एजेंसीज हैं, ठीक है, CAR का मतलब CRA का मतलब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, तो CRA बोलूँगा मैं, तो आप ध्यान रखना। तो ये जो भी CRA हैं, ये जो भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं, इनको अब सारी सूचनाएं पब्लिश करनी होगी कि भाई कैसे आपने किसी भी डेब्ट इंस्ट्रूमेंट को जो है कंपेयर्स विथ अ बेंचमार्क क्रिएटेड इन कंसल्टेशन विथ सेबी। भाई सेबी हैं, उसने कुछ बेंचमार्क निर्धारित किए हैं, कुछ मापदंड निर्धारित किए हैं, ठीक है। सेबी ने मतलब क्या होता है कि इस कंपनी ने सेबी के साथ सबसे पहले कंसल्ट किया, ये जो कंपनी है हमारी CRA जो है, इसने सेबी के साथ कंसल्ट करके कुछ मापदंड निर्धारित किए होंगे ना। अब उन मापदंडों के आधार पे आप किसी भी कंपनी को अच्छा या बुरा बता रहे हो,
तो इसको बिल्कुल अच्छी तरह से बताओ हमें, कैसे आपने किसी कंपनी के डेप्ट इंस्ट्रूमेंट को अच्छा या बुरा बोल दिया। डेप्ट इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको पहले भी समझाया था, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट का मतलब वो पत्र है जो कंपनी अपने निवेशक को जारी करती है। कंपनी ने किसी निवेशक से पैसा लिया, उस पैसे के बदले में वो एक पत्र जारी करेगी, उसे बताएगी ठीक है कि हाँ भाई हमने आपसे पैसा लिया, एक सर्टिफिकेट जारी करेगी, तो उसे बोलते हैं हम डेप्ट इंस्ट्रूमेंट। तो सेबी का कहना है कि ये जो आप किसी भी डेप्ट इंस्ट्रूमेंट को जो रेटिंग दे रही हो ना ठीक है, तो आपने जो हमारे साथ कंसल्ट किया था, हमने जो बेंचमार्क निर्धारित किए थे, हमने जो मापदंड निर्धारित किए थे, उससे जो है कंपेयर करके देखेगी ठीक तरह से ठीक है, और सारी चीज़ों का जो है खुलासा मांग रही है सेबी। आगे देखते हैं, द रेगुलेटर, ये जो हमारी सेबी है, इसका ये मानना है दिस विल हेल्प इन्वेस्टर्स, ये इन्वेस्टर्स की मदद करेगा टू बेटर गॉज, कि वह ठीक तरह से माप सकें, ठीक तरह से देख सकें। गॉज मतलब होता है नापना, मापना या किसी चीज़ को अच्छी तरह से देखना। टू बेटर गॉज द परफॉर्मेंस ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, इसके माध्यम से सेबी के जो नए नियम हैं, इन नए नियमों के माध्यम से किसी भी निवेशक को मदद मिलेगी कि वह जो CRA हैं उनको ठीक तरह से देख सके। द रेगुलेटर बिलीव्स, सेबी का ये मानना है, वो ये विश्वास करता है कि हमारे नियम जो हैं वो हेल्प करेंगे इन्वेस्टर्स की टू बेटर गॉज, कि वह ठीक तरह से देख सके, द परफॉर्मेंस ऑफ CRA, कि वो जो CRA की परफॉर्मेंस है उसको बिल्कुल ठीक तरह से देख सके। आगे देखते हैं, सेबीज एग्रेसिव रेगुलेटरी अप्रोच, एग्रेसिव मतलब होता है आक्रामक, रेगुलेटरी मतलब नियंत्रित, रेगुलेटरी अप्रोच मतलब एक ऐसी अप्रोच जो कि आपको नियंत्रित करती है ठीक है, एक ऐसा दृष्टिकोण। तो सेबी ने जो है बड़ा ही आक्रामक दृष्टिकोण अपनाया है, बड़ा ही आक्रामक रुख अपनाया है ठीक है, नियंत्रित करने का ठीक है, CRA को नियंत्रित करने का जो आक्रामक रूप सेबी ने अपनाया है, सीम्स प्रतीत होता है टू सजेस्ट अ सर्टेन डिसअपॉइंटमेंट विथ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, ऐसा लगता है कि ये जो CRA हैं, ये जो एजेंसीज हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, उनको तो दुख होगा इस बात से, सेबी जो नए नियम लेके आई है ठीक है, तो इन नए नियमों से उन एजेंसीज को डिसअपॉइंटमेंट हुई ठीक है, कि बड़ा ही आक्रामक रुख लग रहा है उनको इस सेबी का। सेबीज एग्रेसिव रेगुलेटरी अप्रोच सीम्स टू सजेस्ट, ऐसा लग रहा है कि ऐसा सुझाव दे रही है, एक ऐसा प्रतीत हो रहा है उनके जो नए नियम है, सर्टेन डिसअपॉइंटमेंट, कुछ हद तक निराशा आई है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज में, विच मे नॉट बी अनफाउंडेड ठीक है, और बात भी ठीक है, इसका आधार भी है, विच मे नॉट बी अनफाउंडेड, ऐसे नहीं कह सकते हम कि बिल्कुल आधार ही नहीं ये बात ठीक है। यानी कि इस लाइन का अर्थ देखो पूरा, आप यहां से यहां तक समझो, सेबीज एग्रेसिव रेगुलेटरी अप्रोच सीम्स टू सजेस्ट अ सर्टेन डिसअपॉइंटमेंट विथ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज मे नॉट बी अनफाउंडेड, सेबी जो है उसने काफी निराशा अनुभव की CRA के साथ, CRA जो अपने कदम उठा रही हैं, ये जो एजेंसीज जो हैं अपने जो काम कर रही हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, सेबी जो है उनसे नाखुश है ठीक है, काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट में है ठीक है। तो इस नाखुशी को जाहिर करते हैं, उनके जो नए नियम उन्होंने पारित किए ना, उस नाखुशी को जाहिर करते हैं, और सेबी की जो नाखुशी है, सेबी ने जो डिसअपॉइंटमेंट दर्शाया है CRA के साथ, इसके आधार भी हैं, ऐसा नहीं कह सकते हम कि बिना किसी आधार के उन्होंने बोल दिया, विच मे नॉट बी अनफाउंडेड, दे हैव बीन कोट, यहाँ पे दे किसके लिए आया है, CRA के लिए, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के लिए आया है दे, दे हैव बीन कॉट नैपिंग, नैपिंग का मतलब होता है झपकी ले लेना, ऑफिस में बैठे हो आप, खाना खा पी के थोड़ी बहुत देर के लिए नींद आ गई, झपकी ले ली, उसको बोलते हैं नैप, NAP, नैप, दे हैव बीन कॉट नैपिंग ऑन सेवरल ओकेजन्स, सेबी का मानना है ये जो CRA हैं, ये कई अवसरों पे सेबी ने देखा कि पता नहीं तुमने नींद ले ली थी क्या, झपकी ले ली थी क्या, जब तुम्हें काम करना था तब तो तुमने बताया नहीं, कोई कंपनी डूबने की कगार पे है ठीक है, तब तो तुमने ढंग से रिपोर्ट दी नहीं ठीक है, और पता नहीं तुम कब कब तो रिपोर्ट देते रहते हो, जब तुम्हें देनी चाहिए तब देते नहीं हो, चाहे जब तुम सो जाते हो ठीक है, तो ये जो तुम्हारी नींद है, ये तुम जगे रहो, इसके लिए सेबी ने जो है ये नियम बनाए। तो सेबी ने देखा कि ये कंपनियां कई बार सेबी की पकड़ में आई सोती हुई,
दे हैव बीन कॉट नैपिंग ऑन सेवरल ओकेजन्स, कई अवसरों पर, इंक्लूडिंग, अब कुछ उदाहरण देके बता रहा है हमारा एडिटोरियल, इंक्लूडिंग ड्यूरिंग द रिसेंट डिफॉल्ट, अभी ही हाल ही में जो एक डिफॉल्ट देखने को मिला, किस कंपनी के द्वारा, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, IL एंड FS। आपको अगर ध्यान हो, आप अगर न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हो, तो कुछ ही दिनों की खबर है, कुछ ही दिनों पहले इस कंपनी को जो है डिफॉल्ट घोषित किया गया था। किसको डिफॉल्टर बताया गया था, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस है ना, ऑन इट्स डेब्ट कमिटमेंट्स, यानी कि ये जो IL एंड FS नाम की जो कंपनी है, इसने अपने निवेशकों से जो पैसा ले रखा था, उस पैसे को वह जो है वापस अपने निवेशकों को चुका नहीं पाई, जो डेब्ट कमिटमेंट्स थे उनको वह पूरा नहीं कर पाई। तो सेबी का मानना है कि ये CRA तब कहाँ गई थी, तब ये सही टाइम पे सूचना क्यों उपलब्ध नहीं करा पाई हमें। तो अब क्या लगता है सेबी को, सेबी को लगता है कि हो सकता है ये जो CRA हैं, ये IL एंड FS से मिली भगत हो इनकी, हो सकता है इसी संभावना, इसके बारे में जो है IL एंड FS के बारे में इन CRA ने एक ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं कर पाई अपने निवेशकों को, और निवेशकों का पैसा डूबने की कगार पे आ गया, और IL एंड FS जो है वो दिवालियेपन की कगार पे चली गई। तो यही से भी जानना चाहता है कि भाई तब कहाँ गई थी, आप तब सो गई थी क्या, जब ये कंपनी बिल्कुल दिवालिया हुई तब आपको दिखा क्या। दे आर ऑल्सो सेम, से भी बोल रहा है, ठीक है, किसके बारे में, अगेन CRA के बारे में, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बारे में। दे आर ऑल्सो सेम, CRA जो है वो देखी गई है बाय मैनी एज बींग लॉयल, काफ़ी निवेशकों का ऐसा मानना है, ठीक है, कि ये जो CRA हैं ये अपनी निष्ठा दिखाती हैं, मोर लॉयल टू कंपनीज हुज इंस्ट्रूमेंट्स दे रेट रेदर देन टू इन्वेस्टर्स हु प्रोवाइड प्रेशियस कैपिटल। सेबी का ऐसा मानना है कि CRA जो है उसको जानकारी तो किसके लिए देनी चाहिए, इन्वेस्टर्स के लिए देनी चाहिए जानकारी, ठीक है, भाई इन्वेस्टर्स जो भी कंपनी में पैसा लगा रहा है उसका पैसा ठीक जगह लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये जानकारी CRA को इन्वेस्टर्स के लिए देनी चाहिए। लेकिन CRA कर क्या रही है, CRA जानकारी जो है अपनी लॉयल्टी इन्वेस्टर्स के साथ न दिखा के उस कंपनी के साथ दिखा रही है जिस कंपनी की साख वो जारी करती है। तो इससे भी सेबी काफ़ी दुखी है। दे आर ऑल्सो सीन बाय मैनी, काफ़ी लोगों के द्वारा ऐसा भी देखा जा रहा है एज बींग, ये जो कंपनियाँ हैं इन कंपनियों को, जो CRA हैं इन कंपनियों को देखा जाता है कि ये जो अपनी लॉयल्टी जो है ये उन कंपनियों के लिए दिखाती हैं जिन कंपनी के लिए ये क्रेडिट रेटिंग जारी करती हैं, जबकि उनको दिखाना चाहिए इन्वेस्टर्स के लिए, ये इस पूरी लाइन का मतलब है। दे आर ऑल्सो सीन बाय मैनी, काफ़ी लोगों का ये मानना है कि ये ज़्यादा लॉयल हैं किसके लिए, उन कंपनीज के लिए हुज इंस्ट्रूमेंट्स दे रेट, ठीक है, जिनके बारे में ये रेटिंग्स करती हैं, ठीक है, जिनके पत्रक जो हैं उन पत्रकों के बारे में ये बताती हैं, देन बजाय किसके, टू इन्वेस्टर्स हु प्रोवाइड प्रेशियस कैपिटल, बताना चाहिए इन्हें इन्वेस्टर्स के लिए जो कि अपनी मूल्यवान राशि को किसी कंपनी में जमा करते हैं। दीज कंसर्न्स, तो अब ये जो भी कंसर्न्स है ना, मतलब जो भी चिंताजनक स्थितियाँ हैं, जो भी मुद्दे हैं, नीड टू बी एड्रेस्ड, इन्हें जो है हल किया जाना चाहिए, इनका जो है समाधान निकाला जाना चाहिए, ये जो भी चिंता है इनका जो है समाधान होना चाहिए। सेबी'स अटेम्प्ट, तो इनके समाधान के लिए सेबी ने जो अटेम्प्ट किया है, सेबी ने जो प्रयास किया है, सीम्स प्रतीत होता है टू बी टू अलाइन रेटिंग्स मेथोडोलॉजीज विथ ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, वैश्विक स्तर पे जो भी प्रैक्टिस अपनाई जाती हैं, ठीक है, जो भी पद्धतियाँ अपनाई जाती हैं ग्लोबल स्तर पर, वैश्विक स्तर पर, तो ऐसा लगता है कि सेबी के जो ये प्रयास हैं ये इन कंपनियों को मतलब क्या करेगा, एक वैश्विक स्तर पे जो है बराबरी कर देगा सारी कंपनियों की, ठीक है भाई, और भी तो कंपनियां हैं विदेशों में, भी तो कंपनियां हैं, वो भी तो काम कर रही हैं। तो सेबी का ये मानना है कि हमने जो नए नियम जारी किए हैं, इन नए नियमों के माध्यम से अब जो CRA काम करेंगी, ठीक है, तो इन्वेस्टर्स को बिल्कुल वैसा ही लाभ होगा जैसा कि ग्लोबल स्तर पर हो रहा है, ठीक है, एक बराबर की पद्धति हो जाएगी, ठीक है, अलाइन मतलब होता है एक रूपता लाना, ठीक है। तो सेबीस अटेम्प्ट, सेबी का प्रयास जो है सीम्स प्रतीत होता है टू बी अलाइन, एक समरूपता लाने का प्रयास लग रहा है रेटिंग्स मेथोडोलॉजीज, कि भाई आप जो भी रेटिंग देते हो ना उसका मेथोडोलॉजी जो है, पद्धति जो है वो एक ही रहेगी, विथ ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, जो कि सारे समूचे विश्व में अपनाई जा रही है, वैश्विक रूप से जो पद्धतियाँ अपनाई जा रही है वो सारी पद्धतियाँ बिल्कुल एक रूपता होनी चाहिए उन सभी पद्धतियों में, ठीक, इसको एक रूपता है, ऐसा प्रयास है सेबी का। द सजेशन, जो भी सजेशन दिए हैं टू रिवाइज, ठीक है, कि दोबारा से जो है उन्होंने क्या किया, रिवाइज किया है
द मेथड ऑफ कंप्यूटिंग डिफॉल्ट रेट्स। कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है, गणना करना। डिफॉल्ट रेट की जो गणना है वो आप जो करोगे उसका पूरा मेथड जो है उसको मतलब उसमें संशोधन किया गया है, ठीक है। एंड द प्रेसाइज डेफिनेशन, प्रेसाइज मतलब एकदम सटीक। एंड द प्रेसाइज डेफिनेशन ऑफ टर्म्स, टर्म्स का मतलब शर्तें, दैट रेटर्स शुड यूज इन डिस्क्राइबिंग अ क्लाइंट्स लिक्विडिटी पोजिशन। यहाँ तक देखें हम कि ये जो सी आर ए हैं जो वो बताती हैं कि किसी कंपनी की पोजिशन कैसी है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, किसी कंपनी की साख जो है मजबूत है, एडिक्वेट है, पर्याप्त है, या फिर स्ट्रेच्ड है, ढुलमुल है, या फिर पुअर है, बहुत ही घटिया है, चल रही है उसकी स्थिति। तो ये जो स्थिति आप दर्शा रहे हो ना किसी भी कंपनी के बारे में, ठीक है, तो उसकी एकदम प्रेसाइज डेफिनेशन दो, बिल्कुल सटीक रूप से बताओ उसकी परिभाषा ऑफ टर्म्स, कि किन शर्तों के आधार पर आप जो है रेट कर रहे हो उनको, ठीक है, किन शर्तों के आधार पर आप डिस्क्राइब कर रहे हो, ठीक है, तो उनको बिल्कुल ठीक तरह से बताओ। मतलब आगे देखते हैं, ठीक है, आर एम्ड एट शार्पनिंग डिस्क्लोजर एंड लीविंग लिटिल रूम फॉर रेटर्स। यहाँ तक देखते हैं, सेबी का ये उद्देश्य है कि आपके जो खुलासे हैं वो बिल्कुल ठीक तरह से हों। शार्पनिंग डिस्क्लोजर मतलब एकदम सटीक तरह से आप खुलासे करो, एंड लिविंग लिटिल रूम, और कोई भी जगह नहीं छोड़ा है सेबी ने, कोई भी स्पेस नहीं छोड़ा है फॉर रेटर्स इन एजेंसियों के लिए टू बी एम्बिग्यूस, कि ये अस्पष्ट हो सके। अभी तो क्या करती हैं एजेंसियाँ, जो इन्फॉर्मेशन देती हैं वो बिल्कुल अस्पष्ट रूप से देती हैं, लेकिन सेबी के ये नए रूल्स अगर ठीक तरह से लागू होते हैं तो इन कंपनीज़ के लिए कोई भी जगह नहीं बचेगी, कोई भी रूम नहीं बचेगा कि ये जो है अस्पष्ट तरीके से अपनी सूचनाएं प्रोवाइड करा सके। उनको बिल्कुल सटीक तरह से अपनी सूचनाएं प्रोवाइड कराना होगा। एम्बिग्यूस का मतलब होता है अस्पष्ट या अस्पष्टता। देखो मैं लगभग हर मीनिंग का जो है अर्थ आपको बता देता हूँ, फिर भी आपको किसी मीनिंग्स में डाउट रहे ना, क्योंकि मीनिंग जो है या पर्टिकुलर टर्म जो है ना किस सेंस में प्रयोग हो रही है वो सेंस बहुत मायने रखता है। तो आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में मुझे लिखते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, व्हाट इज़ नॉट क्लियर। अब ये सब तो क्लियर है लेकिन क्लियर क्या नहीं है, व्हाट इज़ नॉट क्लियर, तो यद्यपि सब कुछ क्लियर है लेकिन फिर भी कुछ क्लियर नहीं है। क्या क्लियर नहीं है, इज हाउ द न्यू फ्रेमवर्क, कि ये जो नया ढांचा है विल इफेक्टिवली रिजोल्व, कि ये प्रभावपूर्ण तरीके से सॉल्व करेगा। रिसोल्व का मतलब किसी समस्या को हल करना, कि ये जो नए फ्रेमवर्क हैं ये प्रभावी पूर्ण तरीके से समाधान करेंगे द कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट का मतलब है जो उधेड़बुन चल रही है, जो झगड़ा चल रहा है, द कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इश्यू, ठीक है, दैट प्लेग्स द रेटिंग इंडस्ट्री। सेबी का मानना है कि ये काफ़ी कुछ चीज़ों को जो है मतलब समाधान मिलेगा इससे, लेकिन फिर भी जो हित साध रखे हैं ना इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने पर्टिकुलर कंपनी के साथ, जिस कंपनी के बारे में ये रेट जारी करती हैं, उस कंपनी के साथ जो इनकी मिलीभगत चल रही है, ठीक है, उनके जो हित समाहित हैं उसके अंतर्गत, ठीक है भाई, कंपनी का हित है और इधर सीआरए का हित है, जो एजेंसी सीआरए है जो कंपनी के बारे में सूचनाएं दे रही हैं, ठीक है, तो ये दोनों मिल गई, इन दोनों जो आपस में मिल के और आपसे हित साध रही हैं अपने, तो इसका समाधान किस तरह से होगा ये कुछ हमें जो है देखने को नहीं मिलता इसके अंतर्गत, ठीक है। What is not clear though is how the new framework will effectively resolve, कि भाई इसका समाधान किस तरह से होगा, the conflict of interest issue, कि ये जो issue हैं, ये जो company के हित साधनों के, हित साधना करने के जो issue हैं, that plagues, plagues का मतलब एक घुन जो लगी हुई है, ठीक है ना, कि हम आपसे मिल जाते हैं, हम आपके लिए जारी करेंगे, आप हमें पैसा दो, हम आपकी साख को अच्छी बताएंगे, तो इस तरह की ये जो बात है ना एक प्लेग की तरह फैल गई है मतलब वित्तीय मार्केट में, ठीक है। जैसे कि हम क्या कह सकते हैं, दहेज जो है प्लेग की तरह फैला हुआ है हमारे समाज में, ठीक है, तो इसी प्रकार से ये जो वित्तीय समाज है, जो व्यापार का जो समाज है ना, उस समाज में ये जो एक प्लेग की तरह फैल गई है बात, क्या बात फैल गई है प्लेग की तरह, कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज किसी कंपनी से मिलजुल के और उसकी तरफ जो है उसकी तरफदारी करती हैं, तो इसको मतलब किस तरह से इसका समाधान होगा, इसके मतलब ठीक तरह से हमें देखने को नहीं मिलता सेबी के नए नियमों में। द इश्यूअर पेस मॉडल, एक मॉडल है इश्यूअर पेस, उसमें क्या करता है इश्यूअर पेस मॉडल, वेयर द रेटिंग एजेंसीज इज पेड बाय द इश्यूअर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। बस यहाँ तक समझ लो आप, इस लाइन का मतलब यही है कि इसमें क्या होता है कि जो भी कंपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो है, जिस कंपनी के लिए क्रेडिट करती हैं, जिस कंपनी की साख को दर्शाती हैं, उसको क्या है कुछ पैसे दिए जाते हैं उस कंपनी के द्वारा जिसकी साख वो बता रही है।
तो यार ये समाधान, इसमें दिक्कत हो रही है काफ़ी सारा, इसका मतलब कैसे इस पे लगाम लगाई जाए, मतलब ये इस लाइन का मतलब है। द इश्यूअर पेज मॉडल वेयर द रेटिंग एजेंसी इज पेड, जहाँ रेटिंग एजेंसी को भुगतान किया जाता है बाय द इश्यूअर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जैसे मैं एक कंपनी हूँ, मैं जो है इंस्ट्रूमेंट जारी करता हूँ, इंस्ट्रूमेंट का मतलब पत्र जारी करता हूँ मैं, निवेशक जो निवेशक मुझ में पैसा लगा रहे हैं उनके लिए मैं पत्र जारी करता हूँ, और इन पत्रों के बारे में कोई क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जो कि मुझसे मिली हुई है, वो बोलती है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो पत्र इस कंपनी ने जारी किए हुए हैं, ये बढ़िया है ले लो आप, मतलब उनकी एक्चुअल जानकारी नहीं देती है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट, ये जो बीमारी चल रही है, दैट इट रेट्स इज नॉट अ हेल्थी वन, ये एक सही नहीं चल रहा है, मतलब एक सही प्रैक्टिस नहीं है ये, इस पर भी लगाम लगनी चाहिए। मतलब ठीक है, आप जो है निवेशक को ध्यान में रख के किसी चीज़ की सूचना दो, लेकिन आप कंपनी को ध्यान में रख के दे रही हो, तो ये जो बीमारी है प्लेग की तरह लगी हुई है। ठीक है, इसका हमारे एडिटोरियल का मानना है ये एक हेल्थी वन नहीं है, एक स्वस्थ चीज़ नहीं है ये, बट द प्रॉब्लम इज दैट, लेकिन समस्या ये है, अ वियबल अल्टरनेटिव इज येट टू बी प्रपोज्ड। वियबल मतलब व्यावहारिक, अल्टरनेटिव मतलब अन्य कोई समाधान। ठीक है, कि अल्टरनेटिव क्या है भाई इसका, तो एक ऐसा समाधान जो कि मतलब एक सही तरीके से, व्यावहारिक तरीके से इस समस्या का समाधान कर सके, इज येट टू बी प्रपोज्ड, अभी आना बाकी है उसका, इज येट टू बी प्रपोज्ड, अभी उसको प्रस्तावित किया जाना बाकी है। द बॉटम लाइन, सार में हम ये कह सकते हैं, सार रूप में हम क्या कह सकते हैं, बॉटम लाइन इज दैट द पुअर ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ CRA, पुअर ट्रैक रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड का मतलब है ये जो हिस्ट्री है, ये जो CRA है, ये CRA का मतलब जो है इतिहास है ना, ये ढंग का नहीं रहा है मतलब। ठीक है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है बहुत ही पुअर रहा है मतलब CRA का, जिससे कि सेबी को दुखी होकर ये कदम उठाने पड़े। द बॉटम लाइन इज दैट, सार रूप में हम ये कह सकते हैं कि पुअर ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इज नोन टू मोस्ट इन्वेस्टर्स, काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स जो अपना पैसा लगाते हैं उन्हें ये सारी हकीकत पता है। ठीक है, उन्हें ये सारी हकीकत पता है कि ये जो CRA हैं, ये जो कंपनीज के साथ मिलके कुछ ऐसा कर रही हैं, इसके बारे में काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को जानकारी है। एंड इज अप्रोप्रिएटली डिस्काउंटेड बाय मार्केट पार्टिसिपेंट्स, मार्केट पार्टिसिपेंट्स का मतलब होता है वे निवेशक जो मार्केट में या जो कंपनियों में अपना पैसा लगा रहे हैं। ठीक है, तो उन निवेशकों के द्वारा इन CRA को, इन कंपनीज़ को, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ को मतलब डिस्काउंटेड किया जाता है, यानी कि उनकी तरफ डिसरिगार्ड की भावना से देखना। डिस्काउंटेड का मतलब है किसी व्यक्ति को या किसी कंपनी को, किसी को भी मतलब असम्मान की भावना से देखना। ठीक है, तो इन्वेस्टर्स जो हैं, पैसे लगाने वाले जो हैं, उन्हें पता है कि ये CRA जो हैं ये कंपनी से मिली जुली होती हैं। ठीक है, उनकी हकीकत इन निवेशकों को पता होती है, तो इसीलिए उनको पता होने के कारण ही वो लोग इन CRA से नफरत करते हैं, उनको जो है नफरत की भावना से देखते हैं। ठीक है, तो एडिटोरियल का भी मानना है कि अगर वो देखते हैं तो सही है, एंड इज अप्रोप्रिएटली डिस्काउंटेड बाय मार्केट पार्टिसिपेंट्स, कि जो निवेशक हैं अगर वो ऐसा देखते हैं तो बिल्कुल ठीक ही है, इसका समाधान होना ही चाहिए। तो इस तरह से हमारा आज का एडिटोरियल समाप्त होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। ठीक है, काफ़ी सारी टर्म्स हमें देखने को मिली इसमें। ठीक है, हमारी जो फाइनेंशियल टर्म्स होती हैं, ठीक है, और एक पूरा मुद्दा हमें समझने को मिला। ठीक है, एक अप्रोच हमें देखने को मिली कि भाई क्या मुद्दा चल रहा है और उसको किस तरह से रिजॉल्व किया जाना चाहिए, क्या निवेशकों को परेशानियां हैं, क्या जो है कंपनी की समस्याएं हैं, और क्या जो है CRA गुल खिला रही है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आज का एडिटोरियल समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं। ठीक है।